नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस, यानी कि जो बच्चेदानी में गांठ बन जाना, और ये समस्या काफ़ी महिलाओं को देखने में और सुनने में आपने देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस, बच्चेदानी में गांठ या यूट्रस का वल्की हो जाना, मांस बढ़ जाना या गांठ फट जाना, ऐसी स्थिति में आप बिगर ऑपरेशन इस चीज़ से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए आज हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस का डिस्कशन करेंगे। और इस प्रॉब्लम के होने के पीछे जो कुछ छोटे छोटे कारण हैं, मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। जैसे हम एबनॉर्मल तरीके से या तो प्रेगनेंसी को ख़त्म कर रहे हैं, तो जो मेडिसिंस काम आती है, आई पिल वगैरह, वो इस प्रॉब्लम को बढ़ाने में बहुत आगे हैं कि आपको वो परेशानी बढ़ा देती हैं। बाकी हार्मोन्स तो मेन है ही, लेडीज़ में मेंसेस साइकिल को चलाने के लिए दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक का काम होता है वहाँ की रिपेयरिंग करना, और दूसरे का काम होता है वहाँ पे उसको ख़त्म करना, यानी कि मेम्ब्रेनों को बनाना और बिगाड़ना, जिससे पीरियड साइकिल्स आपका रेगुलर चलता रहे। उन्हीं में इम्बेलेंस यानी कि हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से ओवर ग्रोथिंग हो जाती है मसल्स, और उसकी वजह से मास यानी कि डिपोजिट होने लग जाता है अपना, फैटी मसल्स हो जाती हैं, जिनको वल्की मसल्स अपन बोलते हैं या वल्की यूट्रस अपन कहते हैं। और आपने अल्ट्रासाउंड कराएगी तो उसमें ये लैंग्वेज लिखी आती है कि वल्की यूट्रस है या फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग ज़्यादा आने लग जाती है, हल्का फुल्का पेन भी होने लग जाता है, और कई महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो जाती है। दोस्तों, जो मेडिसिन्स हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें सिम्टम्स मिल नहीं पाते, क्योंकि जो पेशेंट हमें बताएगा हम वही देख पाते हैं, सुन पाते हैं। बाकी ये अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है, उसके अलावा हमारे पास स्पेशली कुछ और आपको बताने के लिए है नहीं। तो उन्हीं सिम्टम्स पे जो हम मेडिसिन्स देते हैं, उनसे काफ़ी महिलाओं को हमने देखा है कि पहले से बहुत अच्छी कंडीशन हो गई, और उन्हें रिमूव नहीं कराना पड़ा यूट्रस, यानी कि ऑपरेशन की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी। 100% ये ख़त्म हो जाए, ये मैं पर्सनली तो नहीं कहूँगा, लेकिन होम्योपैथी सिम्टम्स पे है, आप सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करें अपनी परेशानी को, और तो वो आपको अच्छे से और ट्रीट कर सकता है। लेकिन जो मैंने मेडिसिन्स दिए हैं, जिन सिम्टम्स पे मेडिसिन दिए हैं, वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। वल्की यूट्रस है, यानी कि मांस बढ़ने लग गया यूट्रस पे, यूट्रस के अंदर, तो आप सबसे पहली मेडिसिन थूजा, सुबह शाम 200 थूजा, 200 10-10 बूंद सुबह शाम पानी में डाल के आप लेना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, इसी के साथ में आप कल्केरिया फ्लोर 6x, चार चार गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ में भी लेना स्टार्ट कर दें। इसको 1 महीने बाद आप 200x में दिन में एक बार चार गोली गर्म पानी से लेना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट 5-6 महीने जर्नली चली जाता है इन प्रॉब्लमों पे। ये धीमे धीमे आती है, और धीमे धीमे ही आपको आराम महसूस होगा, क्योंकि मेडिसिन हैं, ऑपरेट करके किसी चीज़ को एक दिन में हटा सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से एकदम से गायब करना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। और एक मेडिसिन है जो फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस में काम आती है, फ्रैक्सनस अमेरिकाना का मदर टिंचर। ये आप 10-10 बूंदें गुनगुने पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हैं। इसके साथ आप दोनों बताई हुई मेडिसिन भी साथ चला सकते हैं, इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। कई अल्ट्रासाउंड्स पे लिखा होता है कि बिनाइन मेलिग्नेंट यूट्रस, ऐसा कुछ लिखा आता है, यानी कि गांठ है वो बड़ी है और अपना रूप बदल रही है, यानी कि एक नॉर्मल गांठ से कैंसर की तरफ जा रही है, ऐसी लैंग्वेज सोनोग्राफी में कई पेशेंटों को देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत पेन भी आता है, मेंसेस तो घटती बढ़ती रहती रहती है, बीच में भी आ जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है यूट्रस का, तो ब्लीडिंग ज़्यादा आना स्वाभाविक है।
और अपना जो क्लॉट्स होते हैं वो भी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आते हैं, पेनफुल होती है ब्लीडिंग, उस कंडीशन में आप कार्बो एनिमेलिस 30 सुबह शाम 10 10 बूंदे आप यूज कर सकते हैं आप उस चीज़ में, यानी कि अपना गांठ रूप बदल रही है, एक डेंजरस जोन में जा रही है। ऐसी कंडीशन में आप कार्बो एनिमेलिस 30 सुबह शाम 10 10 बूंदे यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक और मदर टिंचर है कि लेडीज हमेशा ये करती है कि ये चीज़ मुझे नहीं हो रही है, मुझे बच्चे नहीं हो रहे, या मुझे एक बेटा हो जाता है, या बच्चा दूध नहीं पीता, यानी कि हम उस चीज़ को सोच सोच के उसी ही बीमारी को पैदा कर लेते हैं। बड़ा अजीब सिम्टम्स है कि हम जिसके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं होते, प्रेगनेंसी नहीं आती, क्योंकि हम जल्दबाजी में इतने रहते हैं कि बस सब कुछ अभी हो जाए, तो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं या ओवर थिंकिंग आने लग जाती है पेशेंट को, और उसी कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ें बन जाए, यानी कि यूट्रस में गांठ पड़ने लग जाए, या बेबी है मान लीजिए और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बच्चा दूध नहीं पीता, तो ब्रेस्ट में गांठ आ जाए, यानी कि जिस चीज़ की सोच रहे हैं उसी जगह पे आपको ये गांठें या फाइब्रोइड या नोडुल्स बढ़ने लग जाए, उस कंडीशन में आप एक ही मदर टिंचर है बम्बूसा ए का मदर टिंचर 10 10 बूंदे सुबह शाम आप यूज कीजिए। किसी भी मदर टिंचर के साथ आप थुजा और कल्किरिया फ्लोर यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिंगल मेडिसिन ही चलानी है, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।